हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ बहुत ही खास रेसिपी जो कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्ट भी इसका लाजवाब होता है। एक बार आप बनाकर खाएंगे तो 100% बार बार बनाएंगे। ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने लिया है ब्रेड। ब्रेड ताजी होना चाहिए, बासी ब्रेड को फोल्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 250 ग्राम मिल्क बर्फी मैंने ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितनी सॉफ्ट है। बस इसी तरह की बर्फी हमें चाहिए। 150 ग्राम नारियल पाउडर, 250 ग्राम चीनी। चीनी से हम ब्रेड रोल के लिए चाशनी रेडी करेंगे। रिफाइंड ऑयल ले लीजिए ब्रेड रोल को फ्राई करने के लिए। सबसे पहले चाशनी बनने के लिए रख दीजिए। चाशनी के लिए 1/2 लीटर पानी लीजिए, उसमें शुगर ऐड कीजिए और हाई फ्लेम पर बस चीनी घुल जाने के बाद एक उबाल लेकर गैस ऑफ कर दीजिए। हमें कोई तार की चाशनी नहीं चाहिए, इसलिए बस एक ही उबाल लीजिए। बर्फी को मैंने मैश कर लिया है, लेकिन बर्फी बिखर रही है, कंबाइंड टेक्सचर में नहीं है। इसके लिए आप 2 टेबलस्पून मिल्क बर्फी में ऐड कीजिए। ब्रेड रोल की फीलिंग एकदम परफेक्ट हो गई है। थोड़ी सी बर्फी लीजिए और लोई बनाकर देखिए, अगर बिखर नहीं रही है तो फीलिंग परफेक्ट है। देखिए एकदम परफेक्ट है। अब बारी आती है ब्रेड की। ये ब्रेड की किनारी सीजर से कट कर देंगे, क्योंकि अगर ये कट नहीं की तो ब्रेड रोल को फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कीजिए। ब्रेड की सारी किनारी कट कर दीजिए। ब्रेड की सारी किनारी कट हो गई है। अब सभी ब्रेड को बेलन से बेल लीजिए। इससे ब्रेड बहुत स्मूथ हो जाएंगे और जब ब्रेड को फोल्ड करेंगे तो ब्रेड टूटेगा नहीं। ये चारों किनारी बहुत अच्छे से करनी है। ब्रेड के चारों किनारों पर पानी लगाइए, जिससे ब्रेड आसानी से आपस में चिपक जाएगा। एक छोटी लोई के बराबर फिलिंग लीजिए और ब्रेड पर रखिए। अब आप वीडियो को अच्छे से देखिए। जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह से आप भी फोल्ड कीजिए। बस ये स्टेप आपको बहुत ही सुकून के साथ करना होगा और बहुत ही अच्छे से करना होगा, क्योंकि यहाँ की मिस्टेक पूरा ब्रेड रोल खराब कर देगी। पानी की हेल्प से हमें ब्रेड रोल फोल्ड करना है। क्योंकि अगर आपने इस टाइम ब्रेड रोल को अच्छे से फोल्ड नहीं किया तो ब्रेड रोल फ्राई करते टाइम फट सकता है, इसलिए अच्छे से कीजिए। थोड़ा पानी लगा लगा कर भी अच्छे से दबा लीजिए, जहां से खुल रहा हो। एकदम परफेक्ट हमारा ब्रेड रोल बनकर रेडी हो गया है। एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ।
अगर आपका ब्रेड कहीं से फट जाए तो पानी की हेल्प से थोड़ा सा ब्रेड लेकर ऊपर से चिपका लीजिएगा। इसी तरह से सभी ब्रेड रोल बनाइए। ब्रेड रोल मैंने रेडी कर लिए हैं। इन ब्रेड रोल को फोल्ड करने में थोड़ी मेहनत लगती है। मैं आपको एक और डिजाइन बताती हूँ, ये बहुत इजी है। इसके लिए आप दो ब्रेड लीजिए और दोनों पर पानी लगाइए। फिर एक ब्रेड पर फिलिंग रखिए, ऊपर से पानी वाली साइड से दूसरा ब्रेड रखिए। अब कोई किनारी वाला ग्लास या कटोरी की हेल्प से ब्रेड को कट कर लीजिए। ब्रेड को निकाल लीजिए, बहुत ही इजी निकल जाएगा। अब इसको दोनों हाथ की हेल्प से हथेली के बीच रखकर दबाइए। हमारा ये डिजाइन भी रेडी है, और भी इसी तरह रेडी कर लीजिए। हाई फ्लेम पर ऑयल को तेज गरम कर लीजिए। ऑयल तेज गरम हो गया है, ये ब्रेड रोल बहुत ही केयरफुली लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑयल तेज गरम होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल कम गरम हुआ तो ब्रेड रोल के फटने के चांस ज्यादा होते हैं और ब्रेड रोल ज्यादा ऑयल भी लेता है। तेज गरम ऑयल में ब्रेड रोल एकदम फ्राई हो जाएगा, क्योंकि हमें ब्रेड रोल को कुक नहीं करना है, इसलिए बस 10 से 15 सेकंड के लिए ही पलट पलट कर ब्रेड रोल को फ्राई कर लीजिए। लाइट ब्राउन होने पर ब्रेड रोल निकाल लीजिए। हमारे ब्रेड रोल बहुत अच्छे से सिक गए हैं, फ्राई हो गए हैं। बस इतना जितना हमें कलर चाहिए था वो परफेक्टली एकदम आ चुका है। सभी ब्रेड रोल रेडी हो गए हैं। अब बारी आती है इनको चाशनी में डिप करने की। टोटल 10 सेकंड के लिए ब्रेड रोल को चाशनी में डिप कीजिए। चाशनी ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बस हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। 10 सेकंड के बाद इन सभी को निकाल लीजिएगा। और जो आपने नारियल पाउडर लिया था उससे ब्रेड रोल को कवर कीजिएगा। फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से ब्रेड रोल रेडी हो गए, और वाकई खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। और हाँ, आपको बता दूं, ये रेसिपी YouTube पर फर्स्ट टाइम है, ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए ये डिजाइन देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और बनाने में भी बहुत इजी है। बस इनको भी इसी तरह कीजिए। नारियल कोटिंग तो ब्रेड रोल में जान डाल देती है। कितने बढ़िया ब्रेड रोल बनकर रेडी हुए हैं, खाने में इतने सॉफ्ट, देखने में इतने यमी। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए किचन में और बनाइए इतनी मजेदार स्वीट, जिसको खाते खाते कहेंगे आप, वाह क्या बात है।